जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। और हम जारी रखेंगे वहीं से जैसे आपने हमारी पिछली एपिसोड में देखा। ब्रदर महेश टांग के साथ हम बातचीत कर रहे थे, उनकी एक बहुत जोरदार और अच्छी ऐसी जीवित गवाही हमें सुनने को मिली कि कैसे यीशु मसीह जीवित है और आज भी वो लोगों के साथ बातचीत करता है, दिखाई और सुनाई देने वाला, और उसे महसूस कर सकते हैं वो हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। वैसी ही सामर्थी गवाही को हम जारी रखेंगे। तो ब्रदर महेश, हम फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारी दूसरी एपिसोड में। जय, पिछली बात हमने छोड़ी थी कि आप जब सच्चे परमेश्वर की प्यास आपको हुई, बहुत आपको प्यास हुई कि मैं आखिर जानूं कौन है वो परमेश्वर, कैसे मैं उसकी मोहब्बत को पहचान सकूं और उसमें बन सकूं, तो आपको यीशु मसीह का बहुत नजदीकी महसूस हुआ था, एक अभिषेक उसका बहुत ऐसे आपके ऊपर आया था। उसी बात से हम शुरू करेंगे, तो क्या हुआ था इस अनुभव में? इस अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि मुझे रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी जी। और हंसी भी आ रही थी, एक पूरा मिक्स्ड इमोशंस जो कहता हूँ। क्योंकि एक अद्भुत बात हुई है आपके साथ, हाँ, कि वास्तव में आत्मिक ये बात है और कोई समझ भी नहीं सकता, सिर्फ अनुभव करने की ये बात है। यस, और ये साइकोलॉजिकल भी नहीं था क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा था कि ऐसा होगा जी। वो बाद में मुझे पता चला कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर जब उनके पास आते हैं तो उनकी सन्निधि वो लोग महसूस कर सकते हैं। इस हादसे के बाद मेरा विश्वास तो मसीह में आ गया था और 2-3 दिन बाद मैं गया, एक पास्टर के पास गया और उनको बताया कि मैं बाप्तिस्मा लेना चाहता हूँ पानी में। उन्होंने मुझसे प्रश्न किए, कई तरह के प्रश्न किए, मैंने सबका जवाब दिया और मैं बाप्तिस्मा ले लिया, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि विश्वास करते हो तो बाप्तिस्मा लो। मैंने बस बाइबल में पढ़ा और उसे अनुसरण किया मैंने उसका जी। क्योंकि आपको अब तक आपकी जिंदगी में हम देख रहे हैं सब कुछ, जब आप खुद ही वचन के जरिए या प्रभु के जरिए या उसकी आत्मा की अगुवाई से आपको मिलते चले गए। खास तौर से प्रभु का वचन हमसे जीवित वचन है, बात करने वाला सामर्थी वचन है, वो आपकी जिंदगी में काम किया, तो बहुत अद्भुत बात है, खुशी की बात है कि आपकी जिंदगी को प्रभु ने इतना चुना, इतना आपको इस्तेमाल कर रहे हैं आज। तो हम उन दर्शकों के लिए चाहेंगे जो आज आपकी जैसी स्थितियों में हैं और वो ये परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध की क्या बात है, जैसे एक बात है प्रभु के बारे में जानना और एक पर्सनल रिलेशनशिप होना, यानी कि व्यक्तिगत आपसी संबंध होना। यहाँ तो आपकी बात हम देखें कि आपसी संबंध की बात हो गई, ये एकदम जो महसूस भी करी आपने आपके शरीर में भी, आपके आत्मा में भी, और समझ भी रहे हैं, आत्मिक अनुभव आपको ऐसा हुआ कि ये एक व्यक्तिगत अनुभव था। तो इसको थोड़ा समझाएं हमारे उन दर्शकों को जो आज, क्योंकि हर कोई ही प्रभु की प्यास में है, हर कोई चाहता है हमें शांति मिले, आनंद मिले, परमेश्वर मिले, अनंत जीवन मिले, मोक्ष मिले, सब कोई उसी की कोशिश करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीकों से। तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे व्यक्तिगत संबंध के बारे में? इस घटना के बाद जब भी मैं यीशु के बारे में सोचता था तो मुझे उसकी सन्निधि जो है महसूस होना शुरू हो गई जी। अगर मैं पलंग पर लेटे हुए भी यीशु के बारे में सोच रहा होता हूँ तो उसकी सन्निधि मेरे पास होती थी। अगर मैं नहा रहा होता हूँ तो वो समय भी सन्निधि मेरे साथ थी। मैं जब बाहर रोड पर जा रहा हूँ, बस के लिए वेट कर रहा हूँ, जैसे मैं सोचता था उनकी सन्निधि का मैं अनुभव कर पाता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है, जो वो हमारे इतने करीब है कि हम नहीं जानते कि वो कितना करीब है। आपकी दिल की धड़कन से भी स्थिर उनकी सन्निधि आपके जीवन में है, लेकिन जागरूक होना एक बात है, उसके उसके प्रति जागरूक होना जो है वो हमको उसके अनुभव में लेके जाएगा जी। जैसे कि उसने मुझे चंगा किया तो मेरा मन जो है उन पर चले गया कि हाँ एक परमेश्वर है और मैं उनके प्रति जागरूक हो गया। उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने बाइबल में पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान खो गया है, और बात यह है कि आप तब तक नहीं खो सकते जब तक आप किसी के हो ना। तो अगर आप खोए हुए हैं तो आप किसी के हैं। वो कौन है? वो पिता है, वो परमेश्वर है। तो मैंने सबसे अलग बात जो यीशु में पाई है वो ये है कि हर हर धर्म में हम लोग जानते हैं कि ओके एक भगवान है या एक परमेश्वर है या एक प्रभु है, लेकिन यीशु जो आए हैं उन्होंने सिर्फ एक एक नाम का उन्होंने वर्णन किया है, पिता जी। ये पिता जो है, पिता का प्रेम जो है हम लोगों को कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं मिलता, और जिस कारण यीशु ने प्राण दिया वो भी इसीलिए कि वो कहता है कि मैं एक अच्छा गढ़रिया हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं अपने प्राण देता हूँ। तो ये जो संबंध की आपने बात की है, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हो और एक जानकारी या ज्ञान आपको आता है, ये ज्ञान नहीं है, ये एक संबंध है,
ये एक अनुभूति है कि परमेश्वर सच्चा है, जैसे कि आप अस्तित्व में हो परमेश्वर भी अस्तित्व में है, और उसके यीशु मसीह जो है वो ही मार्ग है। जब आप उसे देखते हो तो आप परमेश्वर को देखते हो, जब आप उसके गुण देखते हो, उसके कार्य देखते हो, आप कह सकते हो कि हाँ परमेश्वर भी ऐसा ही कर सकता है। इसलिए यीशु कह रहा है कि जब आप सत्य को जान जाओगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने अपने जीवन में ये सत्य जाना कि परमेश्वर कहीं दूर नहीं है जी। okay, ना क्योंकि आपकी जिंदगी में खास बात हम ये देख रहे हैं कि आप एक तो शुरू से धर्मी व्यक्ति तो शुरू से थे, भले ही आप परमेश्वर कौन क्या है धर्म की वो बात नहीं थी, लेकिन आप एक ऐसे जन थे जिसमें प्यास थी कि कोई भी परमेश्वर है मैं उसको पा जाऊं, उसकी एक बहुत प्यास थी, चाहे वो आत्मिक रीति से आप ढूंढ रहे थे या सांसारिक रीति से या किताबों को पढ़ने से, जो भी जो बता रहा था आपने भरपूर कोशिश की कि मैं किसी प्रकार से परमेश्वर को पा लूं। तो सबसे पहले यही बात है कि हमें वो प्यास होनी, वो चाहत होनी जरूरी है प्रभु को जानने के लिए। तो हम धन्यवाद देते हैं आपको, परमेश्वर ने चुना और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई है ये यहाँ। तो हम इस व्यक्तिगत संबंध को कैसे बना सकते हैं आज? इंसान की सोच है कि मैं परमेश्वर को खोज रहा हूँ, मैं परमेश्वर को खोज रहा हूँ, लेकिन वो सच नहीं है जी। हमको ये देखना चाहिए कि आदिकाल से परमेश्वर ही मनुष्य का पीछा करता हुआ आया है, मनुष्य खो गया था। इसलिए वो यीशु एक उदाहरण भी देते हैं कि 100 बकरियां होती हैं, 100 भेड़ होती हैं, और एक भेड़ खो जाती है, और एक भेड़ के लिए 99 भेड़ों को छोड़कर ये जो गड़रिया है उसके पीछे जाता है। सो सबसे पहला विषय जो इंसान को जानना चाहिए ये है कि मैंने उसकी खोज पहले नहीं की, उसने मुझे खोजा है, इसलिए आज मैं उसे खोज रहा हूँ। अगर आप ये समझ तो प्रारंभ से ही है, हम उसे खोज रहे हैं, वो हमारे नजदीकी है। वचन हमसे बता रहा है कि प्रभु तो प्रारंभ से ही हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, तो वो उल्टे हमें खोज रहे हैं और हमें बचा रहे हैं। हमने उसको नहीं चुना लेकिन उसने हमें चुना है। बिल्कुल। तो हम लोगों को स्पंदना देनी है, एक रिस्पॉन्स देना है परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर की सन्निधि महसूस करना चाहते हैं तो आपको ये कबूलना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु ने कहा कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, युग के अंत तक मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे कि आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से कबूलेंगे तो आपको उसका अनुभव भी आएगा जी। तो जो भी परमेश्वर को खोज रहे हैं, पहली बात तो आप खुद को देख सकते हैं, आप एक जीवित व्यक्ति हो, आप ना ही कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, निर्जीव वस्तु नहीं है, एक सृष्टि किया गया इंसान जिसमें जीवन है। तो जो परमेश्वर ने जिसने सृष्टि की है वो निर्जीव कैसे हो सकता है जी। तो आप परमेश्वर को बनाई हुई चीजों में नहीं ढूंढ सकते हो जी। तो आपको समझना चाहिए कि सृष्टि करने वाला एक सृष्टि करता है और वो इन सब से परे है जी। और उस दृष्टिकोण से जब आप देखोगे, जब आप खोजोगे तो आप जरूर पाओगे। और जो खास हम बात बताए कि यीशु में क्या बात अलग लगी आपको, जैसे आप समझ रहे हैं, आज बहुत से लोग जो नहीं जानते वो उनको यही लगता है कि कोई विदेशी ईश्वर है ये या कौन है ये, जो नहीं जानते उन बहुत से लोगों तक वचन भी नहीं पहुंचा, वो वचन भी नहीं जानते कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी जगत में हर एक प्राणी से, किसी एक कौम से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं, किसी एक चुने हुए से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति से जगत से ऐसा प्रेम किया। तो ये यीशु मसीह में जो अलग बात है, और वो एक विदेशी नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा समझाएंगे आप हमारे दर्शकों? प्यार में कह सकता हूँ, क्योंकि इंसान की सोच या इंसान का रवैया ऐसा है कि अगर कोई आपको मारेगा तो आपको उसको वापस मारना है जी। ठीक है, आप 99 बार क्षमा कर सकते हो लेकिन 100वीं बार आप मारोगे, ऐसे हमको हमारे भारतीय दर्शन में भी कई उदाहरण है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, परमेश्वर मनुष्य बन के आया और उसकी सृष्टि ही उसको मार रही है, काट रही है और क्रूस पर चढ़ा रही है, लेकिन ये व्यक्ति बोलता है पिता उनको क्षमा कर जी। ये जो है हमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है हमको कहीं नहीं मिलेगा ये जो प्यार है। और दूसरी बात जो है क्षमापना, पाप की क्षमा। यीशु के पास ऐसे बड़े बड़े पापी आए, चाहे वेश्या हो या मर्डरर्स नरहंतक वैसे लोग हो या चोर हो, कैसे भी लोग, किसी को उसने तिरस्कार नहीं किया। क्षमा और प्रेम, ये जो दो चीज है मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में मैंने ये कहीं पर नहीं देखा है। और यीशु ना सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति है, ना सिर्फ एक संत है, सिर्फ वो ही नहीं है, उससे परे वो परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि यीशु में सब कुछ समाया हुआ है। और जब सृष्टिकर्ता जिसमें सब कुछ है एक शरीर में आते हैं, इसका मतलब है कि उनका शारीरिक रूप से सारी सृष्टि से संबंध कायम हो जाता है। तो यीशु उस समय जब यूहन्ना कहता है कि यीशु ही वो मेमना है,
जो सारी दुनिया के पाप लेके जा रहा है, जगत के पाप लेके जा रहा है, वो सच है, क्योंकि वो संसार से एक बन गया और संसार का पाप उसने उठाया और क्रूस पर उस पाप की शक्ति को तोड़ दिया गया। उसका जो परिष्कार जो बोलते हैं हम लोग, प्रायश्चित जो बोलते हैं, वो उस दिन किया गया। इसके द्वारा क्या होता है, जब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध की बात कर रहे हैं, यीशु के पास आने से पहले ऐसा था कि जैसे मैं मृत हूँ, क्योंकि मैं व्याधि से ग्रस्त था, मुझे लगा कि मैं मृत हूँ, लेकिन आत्मीय रूप से भी परमेश्वर को लोग सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर से लोग बात नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं है। लेकिन इसके पास आने के बाद परमेश्वर का जो जीवन है वो हम में आता है। बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। सो पुराना जो व्यक्ति है वो गया, वो चले गया, वो अभी जिंदा नहीं है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के प्रति जागरूक हूँ, मैं परमेश्वर के प्रति जीवित हूँ, अब मैं उसको सुन सकता हूँ। अगर जैसे कि आप भी सृष्टित किए गए इंसानों में भी हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो ये जो अनुभव है, सिर्फ एक पिक्चर, जैसे मैं बोलूंगा मैं किसी की फोटो ले सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ, बात नहीं करेगी नहीं। लेकिन मैं जब एक इंसान के पास जाऊंगा वो बात करेगा, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये अनुभव रहा है कि यस, मैं एक जीवित व्यक्ति से आज कनेक्टेड हूँ। हम लोग दोस्त बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, कई कई तरीके से जैसे हमारी जरूरत हो, वो उस जरूरत में उस रूप में परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। बिल्कुल, और प्रभु से बात करने के और उस तक जाने के लिए बड़े आसान से रास्ते हैं यहाँ। ये नहीं है कि बहुत हमें यात्रा करनी है, अपने आप को कष्ट पहुंचाने हैं या बहुत कुछ दान देना है हमको, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रभु हमारा पिता है, उसने हमें अपने बच्चे कहा है, माता और पिता की तरह जैसे प्यार करता है, जैसे माता संभालती है वैसे प्रभु संभालता है, हमें वचन बताता है। किस्से में हम देखते हैं आपके जीवन में कि आप जब बिल्कुल बेसहारा हैं और कोई संभालने वाला नहीं, उस समय प्रभु ने आपको सहारा दिया, संभाला और आज इस मुकाम तक लेके आए कि आप सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं ये बातें। तो हमारे उन दर्शकों को बताना चाहेंगे आप बातें कि आपके तो 8 साल आप नहीं जाने हैं और इतने साल आपने संघर्ष करा, तब आपको ये सच्चाई, ये आनंद और चंगाई भी मिली है। जो इस परिस्थिति में हो सकता है आज कोई बीमारी में हो सकता है कोई किसी तरह से परेशानी में या कमी में हो, या उनके प्रियजन किसी बीमारी परेशानी से गुजर रहे हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि आपने सिर्फ मेरी चंगाई होने की साक्षी सुनी है, चंगाई सिर्फ चंगाई मुझे यीशु ने नहीं दी, क्योंकि मैं 2009 में यीशु को मैंने कबूला है अगस्त में। उस समय मैंने एमसेट लिखा क्योंकि मैं डिटेंट हो गया था, मैं फिर से इंजीनियरिंग कर नहीं पा रहा था। उस समय मैंने एमसेट लिखा, मुझे फ्री सीट मिली, मैं एमसेट में दाखिला मैंने लिया। 2009 से 2013 तक मैंने एमसेट पढ़ा, ईसी में मैं पास हुआ हूँ, फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। जहाँ मैं हार गया था, जो मैं नहीं कर सका था, उसको मैं आज पा गया हूँ। और मेरे आखिरी जो साल था वो इंजीनियरिंग में, उस समय मैंने बाइबल कॉलेज में भी दाखिला लिया था, कैरिस बाइबल कॉलेज, एक इंटरनेशनल कॉलेज है। उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि तू मेरी सहायता कर। मैंने वहां पर गया, वहां पर मुझे पता नहीं किसने, आज तक मुझे पता नहीं किसी ने आकर मेरी फीस वहां पर पे की है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कितनी बड़ी अद्भुत बात वो हमारे लिए पूरी करता है कि आप आज तक भी नहीं जानते कि किसने किया, लेकिन प्रभु आशीष दे जिस किसी ने भी आपको मदद किया या प्रभु ने स्वर्गीय तौर से किया, तो हम उसको बहुत महिमा जलाल देते हैं और इस बड़ी गवाही उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही मैं इंजीनियरिंग खत्म कर रहा था, मुझे बाइबल कॉलेज से भी ग्रेजुएशन हो रहा था, तो मैं एक समय था जब मैं मर रहा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ, हर एक दिन में जी रहा हूँ, ये परमेश्वर की कृपा है। क्योंकि मेरा चैप्टर तो उसी दिन खत्म हो जाना था, वो 2008 एंडिंग में, लेकिन मैं अब एक इंजीनियर हूँ, मैं बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना के द्वारा करने वाला परमेश्वर, लेकिन माध्यम के तौर से हमको यूज करता है। कई लोग, मैं आपको एड्स बोलूंगा, डायबिटीज बोलूंगा, कैंसर बोलूंगा, पैर कटने वाले थोड़े लोगों के, उन सब के लिए प्रार्थना की और वो सब लोग चंगे हुए हैं। बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद। ये एक इंसान नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही कर सकता है। तो एक हारे हुए व्यक्ति से एक विजेता के रूप में कौन आपको बना सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह बना सकता है। और उसके पास आने के लिए आपको किसी तरह की क्वालिफिकेशन, अर्हता जो बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बस वचन बोलता है कि वो जो वचन है वो आपके दिल के पास है, आप अपने मुंह से उसको अंगीकार कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये प्रश्न है कि मैं शायद इस समस्या में हूँ, ये समस्या शायद कोई नहीं सुलझा सकता, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जीवन मार्ग और सत्य यीशु है। आप अगर आप सोचते हैं कि इसका मार्ग नहीं है, यीशु ही वो मार्ग है, यीशु आपको संपूर्ण तरीके से हर हर बाधा से, हर समस्या से मुक्त कर सकता है यीशु। बिल्कुल,
आपने बहुत अच्छा संदेश दिया ये हमारे दर्शकों को कि यीशु मसीह वो मार्ग सत्य और जीवन है और कुछ भी उसके लिए असंभव बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, उसने ऐसा वायदा किया, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो जो कुछ मैं करता हूँ तुम भी वही करोगे, पर उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसे प्रभु आपको इस्तेमाल किया, जो सोच रहे थे मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं मरने के दर पर हूँ, मेरे शरीर में जान ही नहीं है, और हर एक चीज में आपको शैतान गिराना चाहता था कि किसी भी तरह ये सफल ना हो सके। तो आखिरी में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम ये यकीन करते हैं कि प्रभु अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है, और बहुत से लोग आपके इस वचन और गवाही के द्वारा शिफा पाएं, बहुत से लोगों के हृदय छुए जाएं। ऐसी ही हमारी प्रार्थना है कि आज ये कार्यक्रम जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग मौजूद हैं, हम यकीन करते हैं कि वो इस प्रार्थना से ज़रूर शिफा पाएंगे। आप अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए या जो भी रोगी हैं आपके नज़दीकी में जिनके लिए आप आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया हो, और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम सुन के ही हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शिफा देने वाला है। हमारे सामने जीवित साक्षी एक मौजूद हैं कि जो आज जीवित हैं, जिन्हें प्रभु ने बचाया है, और शैतान तो कब का इन्हें ख़त्म कर चुका होता, लेकिन प्रभु ने न केवल बचाया है बल्कि वो इस्तेमाल कर रहा है। आज इनकी गवाही के जरिए बहुत सारे लोग आनंदित हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में रोशनी है, और वैसे ही हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग चंगाई भी पाएं। तो ब्रदर हम आपसे अनुरोध करेंगे हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, ना सिर्फ चंगाई, ना सिर्फ सक्सेस इन लाइफ, प्रभु आपको जीवन साथी पाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए प्रभु ने बहुत ही चमत्कारिक रूप से जीवन साथी को मेरे जीवन में लेके आया। जब हम बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया था मैंने, मैंने जब अपने अभी जो मेरी पत्नी है, जब मैंने उनको देखा तो परमेश्वर ने अंदर अपने आत्मा में मुझे ये साक्षी दी कि यही वो व्यक्ति है। और मेरी बीवी को 2010 में, हम लोग 2012 में मिले, 2010 में परमेश्वर ने उनसे बात की, उनसे मेरा नाम उनको बताया, मेरी साक्षी जो है मैं जिस समस्या से गुजरा हूँ वो बताया उनको, और हम लोग कब मिलेंगे वो भी बताया उनको। खास एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे ब्रदर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आज प्रभु आपको भी बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, और किसी को भी कर सकता है जो भी उस पर विश्वास लाए, तो ऐसी कोई घटना आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो मुश्किल हालातों में प्रभु ने आपको भी इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने यीशु पे विश्वास किया, शायद 2-3 दिन के बाद होगा, मेरा छोटा भाई जो है उसको पेट दर्द हो रहा था, और इतना दर्द था कि वो रो रहा था जी। और मैंने उससे पूछा क्या तुमने दवाई ली, उसने बोला दवाई ली लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो मुझे, क्योंकि मैंने चंगाई पाई थी, मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं यीशु को पूछूंगा तो वो उन्हें भी चंगा करेगा जी। मैंने बोला ठीक है, और मैं ऊपर चले गया जहाँ पर मैं ग्लास पकड़कर प्रार्थना की थी, वहीं पे सीढ़ियों पर गया और मैंने कहा प्रभु यीशु मैं आपको जानता हूँ, मैं आप में विश्वास करता हूँ, ये आपको नहीं जानता, ये विश्वास भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए आप इसको चंगा कीजिए। मैंने प्रार्थना की और मैं नीचे गया, और नीचे जाके मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम बदल गया, तो मुझे लगा ये ठीक हो गया है, और मैंने कहा क्या तुम ठीक हो गए, उसने कहा हाँ मैं ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इतनी सामर्थ आज उसके नाम में है कि जो नहीं जानते लेकिन आपने उनके लिए विश्वास से प्रार्थना की, तो ये सिर्फ एक निर्मल विश्वास, हमको कोई बड़ा इंसान होने की जरूरत नहीं है, धर्मी बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं, सिंपल विश्वास यीशु में, विश्वास के साथ अगर आप पुकारते हो तो वो चंगाई देता है आपको। और एक हादसा मैं बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त के ससुर जी, वो एक बुजुर्ग आदमी है, उनको डायबिटीज थी, मैं मानता हूँ कि वो चंगे हो चुके हैं, उनके पैर के अंगूठे में कुछ चुभ गया था और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि उनको अभी पैर काटना पड़ेगा। और उन्होंने आधी रात को मुझे फोन किया, 12 बजे फोन किया, और कहा कि हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि ये होने वाला है। तो अगले दिन मैं उनके घर गया और हम लोगों ने प्रार्थना की उनके लिए, मेरा दोस्त भी उपवास कर रहा था वो टाइम पे क्योंकि वो चाहता था कि ये चंगे हो। तो हमने सिंपल, बहुत ही साधारण तौर से प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि वचन कहता है कि रोगी पर विश्वास से हाथ रखेंगे और वो स्वस्थ होंगे। हमने हाथ रख के प्रार्थना की और अगले दिन उन्होंने जो देखा, उंगली जो गल रही थी वहां से नया खून आना शुरू हो गया एकदम, और परमेश्वर ने इस बुजुर्ग आदमी के बेटे से बात की और कहा कि तुम लोग वो एम्पुटेशन के लिए नहीं जाना, वो ऑपरेशन के लिए तुम लोग नहीं जाना, ठहरो, बोल परमेश्वर उनसे बात किया, इसलिए वो लोग कैंसिल कर दिए। और कुछ ही दिनों में वो पूरा एकदम नया जो है, उंगली उसकी आ गई, पूरा इन्फेक्शन चले गया, पूरा स्वस्थ हो गया वो, परमेश्वर की महिमा।
प्रभु की महिमा हो, कितनी बड़ी सामर्थ्य आज उसके नाम में है कि वो अपने विश्वासियों को भी ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि जब हम उस पे बच्चे के समान विश्वास करते हैं, चाइल्ड लाइक फेथ, एक बच्चे के ईमान की तरह सीधे साधे, जैसे छोटा बच्चा मांगता है कि मैं मांगूंगा मेरे माँ बाप मुझे देंगे ही देंगे, हर हालत में देंगे, वो नहीं जानता कैसे लाएंगे, कितनी इनकी सामर्थ्य है, ये क्या करेंगे, लेकिन हमारा पिता तो सर्व सामर्थ्य, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि करता है, वो कितनी अधिक सामर्थ्य हमें दे सकता है। प्रभु और भी आपको इस्तेमाल करें आने वाले दिनों में, हम यही कामना करते हैं भाई। कई घटना मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे दोस्त के पड़ोसी, उनको पीलिया हो गया जी, और उन्होंने हमको फोन किया और हम गए, जब हम घर में गए तो वो सीन ऐसा था कि ये जो लड़की है ये जमीन पर है, आंखों के नीचे पूरा काला हो चुका था, जैसे कि कोई भूत पकड़ा हो उसको, एकदम आंखों के नीचे काला हो गया और वो दर्द से चिल्ला रही थी, आ आ बोल के चिल्ला रही थी। तो हम लोग अंदर गए, जाते कि हमने देखा कि ये लगता है कि शायद कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। अच्छा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरे नाम में आप लोग दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और हाथ लगाने पर वो लोग चंगे होंगे। तो हमने प्रभु के वचन पे विश्वास किया और हमने उस पर हाथ रखा और हुक्म दिया कि जो भी दुष्ट आत्मा इसके अंदर है वो चले जाए। इस लड़की की कहानी ये है कि 22 दिन हो चुके थे, 22 डेज वो बराबर खाई नहीं थी, दवाई काम नहीं कर रही थी, मृत्यु के नजदीक थी वो। और उस दिन शाम को हम लोग सुबह प्रार्थना किए, शाम को वो लोग डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसकी आंखें देखी और कहा कि लगता है कि तुम्हारी ये जो पीलिया है ये चले गया है जी। हमने अगले दिन फोन किया और वो लोग बताए कि वो स्वस्थ हो गई है, चंगी हो गई है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आप देखिए एक इंसान जो मर रहा था उसे परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं जो भी देख रहे हैं मैं उनको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके द्वारा काम कर सकता है। आपको कोई महान व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, आपको आप किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाल कर एक चैंपियन बना सकता है, एक विजेता बना सकता है परमेश्वर। बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी बात है कि आज बहुत से लोग यकीन भी नहीं मानेंगे, लेकिन जो हम उस पर यकीन करते हैं, जो उसको चख के देख चुके हैं, जो उसको परख कर देख चुके हैं, हम बिल्कुल यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, बात करते हैं और बताते हैं और बहुत सी बातें भविष्यवाणी में भी बताते हैं जो आपकी जिंदगी में की हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप उन दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें कि जैसे आपको आशीषित किया, ना केवल चंगाई से, ना केवल प्रभु की उपस्थिति से, बल्कि अच्छा जीवन साथी चुनने में भी, परिवार की आशीष में भी, अच्छी स्वास्थ्य के लिए भी, इन सब विषयों के लिए आप प्रार्थना करें। जरूर, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी उसमें विश्वास करता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। तो हम आज परमेश्वर के वचन के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस समय ये प्रसारण को देख रहा है, चाहे उनके जीवन में चंगाई की जरूरत हो, या उनको जीवन साथी पाना हो, या उनको एक नौकरी की जरूरत हो, या कौन सी भी कैसी भी जरूरत हो, परमेश्वर तू हर चीज उनके लिए कर सकता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। हर कोई जो भी शैतानी चाल उनके जीवन में लागू हो हम उसको रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं है, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देता है। तो इस समय अगर आप देख रहे हैं और आपके दिल में आपको लगता है कि हाँ यही है वो परमेश्वर जिसके लिए मैंने अपने सारा जीवन इंतजार किया है, तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अपने मुंह से कबूलेंगे, अपने दिल में विश्वास करेंगे कि यीशु प्रभु है, मरे हुए में से जी उठा है, तो आज आपका उद्धार होगा और आपके परमेश्वर आपके साथ एक संबंध बन जाएगा, एक सन्निधि आपके साथ बरकरार रहेगी। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित हो, मरे हुए में से आप उठ गए हो और आप मेरे प्रभु हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं ब्रदर आपका कि आप इतना समय निकाल के आए और बहुत सुंदर बातें, गहरी बातें आपने वचन से आज हमें बताई है और अपने अनुभव से बताई है, कोई देखी सुनी बात नहीं, अपने अनुभव से बताई है। तो हम देखने वाले सभी दर्शकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि ऐसी प्रार्थनाओं में लगे रहें, ऐसी उसकी और ताकते रहें, जैसे इन भाई ने अपनी प्यास नहीं छोड़ी, उसके बारे में जानने की चाहत नहीं छोड़ी और व्यक्तिगत रूप से पुकारे, क्योंकि प्रभु को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपके नज़दीक ही है, आपके दिलों के नज़दीक रहने वाला खुदा है, जो कहता है मैं टूटे हृदय वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर हूँ, ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो आज उसी परमेश्वर की ओर पुकारते रहें और उसे देखें, और हम यकीन करते हैं कि आप सबकी ज़िंदगी में प्रभु बहुत काम करेंगे और आप उनके जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे और आपकी ज़िंदगी उनके लिए गवाही बन जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।